यार ये स्विमिंग पूल चेक करो, बिल्कुल खुश्क हो गया है। और अब थोड़ी सी देर की बात है ये भी खुश्क हो जाए, तो यहाँ पर अब हम अपनी डक्स का पॉन्ड बनाएंगे। हमने न्यू पिजन्स लाए हैं, लेकिन ये इतने यार आपस में लड़ रहे हैं ना, ये देखो ये पार उतारे हुए, पीकॉक बहुत ज़्यादा लड़ता है इनके साथ। चलो जो यार ये देखो, ये न्यू वाला पिजन आया है, इसके ऊपर पेंट करवा दिया था दोस्त से मैंने अपने। और ये मेल निकला यार, मैं समझ रहा था ये फीमेल होगी, तो इसके साथ फ्लो के साथ छोड़ देंगे, लेकिन अब हमारे पास तीन मेल हो गए हैं और एक फीमेल कबूतरी है बस। आ जाओ भाई तुम भी फ्लो, इसको गंजा कर दिया यार, पीकू ने ना गंजा कर दिया इसको। चलो आ जाओ, तुम नहीं आना बाहर। चला चलो, हमारे सेटअप में ना यार अब चार पिजन्स हो गए हैं, अब थोड़े दिनों तक यार और भी पिजन लाएंगे। यार ये ना उड़ती है, अभी ये वाली पिजन उड़ती है, तो इन तीनों के लेके एक पार्टनर चाहिए। ये जोन सी है ना, ये फीमेल उड़ गई, इस फीमेल को इसके साथ छोड़ेंगे, और ये पीकू को और फ्लो का कोई इंतज़ाम करते हैं। गई यार, उड़ गई यार, इसको ना मैं बड़ी मुश्किल से पार्ट के लेके आया हूँ, और इसके एक दो पार कटवाए हैं चारों के चारों। यार एक जगह पर रो, क्या मैंने फैसला कर लिया। क्या फैसला किया? बिल्ली का नहीं रखना, वो बहुत ज्यादा तंग करता है यार, मेरे से बार बार आ गया था। मैक्स को हाँ। रोज है मेरा, उसको मैं ले गया नीचे नीचे बैठाया हुआ है उसको, और तो के ना हाथ धो के पीछे पड़ गया वो, तो उसको ऊपर ला आना, मैं देखूंगा। मैं सब का तो एक डेमो दिखाता, मैं सब का ले गया मैक्स। अब ना उसको अब अगर इसको कल भेजेंगे, आज नहीं भेजना, आ जरा इसके इसके साथ जरा हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले हैं। मैक्स नीचे के भाग के जाते हुए यार, ये ना हमारा दोस्त नहीं बन रहा, वरना जो होती है ना बिल्लियां वो दोस्त बन जाती है, इसलिए मुश्किल हो रहा है हमारे लिए भी इसको रखना। कल बकरी से यार भेज देंगे हम। हाँ अगर इसको भेजते ना, सुबह जाता हूँ क्या हुआ है। चल मैं चल 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 आ जा। अच्छा संभाल के रखिए अंडे यार, पहले वाले अंडे इसने फ्रिज के अंदर रख दिए, इतना बदतमीज है। मुझे लड़के ने कहा था कि ना ये चिकोनी साल में 76 अंडे देती है बस। हाँ अंडे खत्म होने लगे हैं और तू फ्रिज में रख दिया कर। यार ये जो है ना डक्स, इनके ना हमने घर के अंदर हमने मिट्टी से भर दिया इनका घर, और अब ये पहले जो इतना ज़्यादा गंद होता था ना, अब इतना गंद नहीं होगा मिट्टी की वजह से। अब मिट्टी की वजह से ना इतना कोई गंद नहीं ज़्यादा मचा हुआ, और ये इनको बस इनका पौंड बना लेंगे और उस पौंड के अंदर डाल करेंगे। यार इस मटके के ज़रिए ना अब हम अपने पैरेट्स के करने लगे हैं नेस्टिंग, और इसको मटके को लगाएंगे हम पैरेट्स के केज के अंदर, ताकि इसके अंदर ही वो अंडे दें और इसके अंदर से बच्चे निकलें। ये पैरेट्स बेचारे परेशान से लग रहे हैं, वो बिल्ली क्या किया, ये मैक्स ने किया। ओए होए ये तो बुरा हाल कर दिया जाली का। ये मिर्च तो ना डाली हुई है, क्या मिर्च खाते हैं ये? नहीं खाते, वो डालती मेरे का नहीं खाते। हाँ इनकी यार अभी बकर नेस्टिंग करनी है, ये देखिए इनकी नेस्टिंग के लिए पोर्ट, इसके अंदर अभी घोंसला बनाएंगे ठीक है इनका। इसकी जाली भी फट गई है, तो अब हमारे पास एक और केज पड़ा है लेकिन गंदा सा है, इनको ना उसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं। यार इस केज की ना हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, लेकिन ना ये डेंजरस नहीं है, ये जितना ये लकड़ी वाला डेंजरस है ना, उससे कम ही डेंजरस है। बस इसकी अभी सफाई करते हैं, इसको अच्छी तरह हम डेकोरेट वगैरह करेंगे। और यार एक और मसला है, मैं इसके अंदर लकड़ी लगवा के लाया था, इसके अंदर भी अब लगवानी पड़ेगी। यार इसके ज़रिए नेस्टिंग करनी है, ये डालेंगे हम इस मटके के अंदर, और इनको सबको तोतों के अंदर शिफ्ट करेंगे, ये इसके ज़रिए नेस्टिंग करेंगे। मेरा ख्याल इतनी बहुत है यार, इसके अंदर अच्छी तरह नेस्टिंग हो गई है, अब इसको इसके अंदर शिफ्ट करना है। यार ये वाली लकड़ी इसके अंदर लग जाएगी, जिसकी वजह से ये आराम से ऊपर बैठ सकेंगे। यार मेरी ना हिम्मत जवाब दे गई है, ये देखो हाथों का हाल, इतनी मुश्किल से यार ये मैंने पूरा साइज इसका फिक्स करके इसको बड़ी मुश्किल से अंदर फिक्स किया, और अब वो लकड़ी की तरह वो बकर, अब ये वाली यार लकड़ी अंदर फिक्स करनी है, और नेस्ट भी अंदर लग गया है। यार अब इनके घर की ये स्टिक भी लग गई जिसके ऊपर ये लटकते हैं, ये सही लग गया इनका, ये पानी वाला है और वो खाने वाला है, और इसको भी इधर लगा देते हैं पानी वाले पोर्शन को। अब यार हमारे पैरेट्स का खाने का भी इंतज़ाम हो गया, पानी का भी हो गया, इनके घर का भी इंतज़ाम हो गया, सारा कुछ बिल्कुल A1 हो गया। अब पैरेट्स को अंदर शिफ्ट करना मेन काम है, जल्दी डाल दे। यार अब हमारे पैरेट्स अच्छी तरह तैयार हो गए हैं, कोई बिल्ली कोशिश
कोई भी बिल्ली कुछ भी नहीं कर सकती यार, मतलब इनको कुछ करना ही है ना। अचानक देखिए किस तरह भाग यार। देखो माशाल्लाह हमारे चिक्स रोज बड़े ही होते हैं। क्या हुआ तुम्हें? अल्लाह इसका यार हाल चेक करो बेचारी का। सुनाओ और क्या हाल है? ये देखो ये क्या था, ये क्या था? इधर उधर अब कर यार देख जरा, पहले दिन से जिस दिन से आया हुआ इसका पोटे का हाल देखो। क्यों बोल रही है? क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? हाथ भी नहीं आती अबू बकर यार, उनके पास देख जरा, मैं ईगल को देख लूँ। ईगल अंदर ही हो ना यार? ये देखो जरा ईगल हमारी थोड़ी ठीक हो गई है, इसको चोट लगी थी परसों, शुक्र है दोबारा ठीक हो गई है। अपने इसको बाहर निकालना थोड़ा दिन ताकि इस चोट अच्छी तरह रिकवर हो जाए। और यार आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप मुझे दे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।